ऊपर आई हूँ मैं। नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज योर फिन मोनिलाहन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपना लोग खोकोलो के मोर यूट्यूब चैनल ले पुनर बस स्वागतम जनाई सो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन हियर इन अफ्रीका इज मलावी। आप सबको तो पता ही है कि मैं अभी अफ्रीका की मलावी में हूँ। दोस्तों कुछ लोग कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बोला ही है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, शायद उन लोगों को जानकारी नहीं होंगी इसलिए पूछा है, क्योंकि सारे वीडियोज तो नहीं देखे होंगे। एनीवे आई एम बिलोंग फ्रॉम असम इंडिया। हमारे देश भारतवर्ष की एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल स्टेट है असम, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक असम विजिट नहीं किया है तो जल्दी से विजिट कर लीजिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि असम कितनी खूबसूरत है। ओके, अभी मैं हूँ अफ्रीका की मलावी में, तो इस देश के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँ। मलावीज ऑफिशियल नेम इज द रिपब्लिक ऑफ मलावी। मलावी इज अ लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाई जाम्बिया, टंजानिया एंड मोजाम्बिक। यहाँ है अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक झील जो थर्ड नंबर पोजीशन में आते हैं बड़े झीलों में, उसका नाम है लेक मलावी। और लेक मलावी के जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा साफ है, यू कैन से क्रिस्टल क्लियर वाटर। मलावी के लोग खेतीबाड़ी के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा उगने वाले चीज़ है तंबाकू, मेज़, कच्ची चीनी और चाय। चाय भी यहाँ बहुत मिलती है, अच्छी चाय मिलती है मलावियन की। अगर आप लोग मलावी आए तो यहाँ की चाय जरूर ट्राई कीजिए। पर हाँ, तंबाकू यहाँ प्रधान कृषि उपज है और यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम पॉल्यूशन फ्री। लिलोंगवे इज मलावीज कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है ब्लांटायर। तो आज मैं जा रही हूँ यहाँ के वॉर मेमोरियल में, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी साथ में लेकर चलूं। जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर कार में बैठते हुए हम लोग बात करेंगे। ओके, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी निकल रही हूँ यहाँ के नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए, चलिए आप लोग को भी घुमा के लाती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, सनशाइन, ब्लू स्काई और मौसम भी काफी अच्छा है। बट रिमेम्बर, Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine. ये रास्ता कितना खूबसूरत है ना? Sometimes this is all you need. किसी ने कहा था, life is beautiful when you are on the road to somewhere. वैसे सही कहा था। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मलावी के नेशनल वॉर मेमोरियल में। आगे आप लोग जो ये टावर देख रहे हो वही है नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ एंट्री होते ही सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट हास्टिंग कामुजुबांदा की स्टेच्यू। So this is the statue of Malawi's first president. His name was Hastings Kamuzu Banda. National Assembly के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति चुने गए थे।
इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है, कब बनाया गया, किसने बनाया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, इस मेमोरियल टावर को ऑफिशियली ओपन किया गया था ईयर 2007 के 11 नवंबर में। इट वॉज ओपन बाय हिज एक्सलेंसी डॉक्टर बिंगू वा मुठारिका। ये टावर वॉर हीरोज के याद में बनाया गया है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सारे वॉर हीरोज के डिटेल्स दिया गया है। यहाँ आप लोग देखिए, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ के जितने लोगों ने, चाहे वो मिलिट्री पर्सन हो या फिर सिविलियंस, जितने लोगों ने वीरगति प्राप्त की थी उनकी नेम्स और रैंक्स के बारे में डिटेल्स दिया गया है यहाँ। ये टावर मलावी के लिलोंगवे में है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ फिक्स किया गया है, चाहे धूप हो या बारिश कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। जहां से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है अंदर। फ्रेंड्स, यहां आके एंट्री करके जाना पड़ता है, तो पहले मैं एंट्री कर लेती हूँ। सनग्लास को बैग में रख लेती हूँ। यहाँ पे अंधेरा है और अपनी आवाज ही इको कर रहा है, तो इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हे बजरंगबली। नीचे देखो दोस्तों, यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं है। सर सर के यहाँ तक पहुंची हूँ और थोड़ा बाकी है। फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट देखा, ओह अच्छा लग रहा है। दिखाती हूँ, आप लोग देखिए कितना ऊपर आई हूँ मैं। अगर यहाँ से स्लीप हुई तो खत्म कहानी। नीचे एकदम सुरंग जैसा लग रहा है, पर सोच रही हूँ कि अभी ऊपर कैसे जाऊं। ओह माय गॉड, डर लग रहा है मुझको। दोस्तों, इसी खतरनाक रास्ते से मैं यहाँ ऊपर आई हूँ। अभी आप लोगों को यहां से मैं दिखाऊंगी लिलोंगवे का व्यू। गाइस, मुझे ही अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा हाइट इतना ज्यादा है नहीं। कैमरा ऊंचा करके दिखाना पड़ेगा, रुकिए। विंडो खोल के टावर के ऊपर से आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। वाओ, इतना ग्रीनरी है। फ्रॉम हियर यू कैन सी कैपिटल हिल। क्या नजारा है। इधर से आप लोग देख सकते हैं पार्लियामेंट, बिंगू स्टेडियम, थोड़ा थोड़ा बुंडा माउंटेन और नगाला माउंटेन भी यहाँ से दिखाई देते हैं। उधर देखिए पूरा लिलोंगवे सिटी दिखाई दे रहे हैं। अमेजिंग व्यू। एनीवे, अभी चलिए नीचे चलते हैं।
नीचे आ चुकी हूँ। आप लोग देखिए ऊपर से नीचे तक कितना ऊंचा है ये टावर। तो आप लोग गैस कर सकते हो कि कितनी ऊपर से मैं नीचे आई। ओ माय गॉड, मुझे तो डर ही लग गया था। इस टावर में क्लॉक्स है तो इसलिए कुछ लोग क्लॉक टावर भी बोलते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट कितना पीसफुल है। इस बर्ड को देखिए, ओ टावर में बैठ गए। ये जगह हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया गया है। वो लोग यहाँ नीचे से ऊपर तक व्हील चेयर यूज करके आ सकते हैं। ये मेरे पीछे देखिए कितना अच्छे से गार्डन डेकोरेट करके रखा है। यहाँ यही अच्छा लगता है कि जहाँ पे भी आप जाओ ग्रीनरी ही मिलेंगे। वो देखो ये जो जितना बड़ा एरिया आप लोग देख रहे हो ये यहाँ का बैकयार्ड एरिया है। यहाँ आप लोग आके बुक रीडिंग कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। कुछ लोग तो बैठे हुए भी है। सच एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। अभी घर जाने का टाइम हो गया, चलिए अभी चलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से निकल रही हूँ। यही था आज का ये वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर इट। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जॉय आयो, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय। अभी घर पहुँच के रेस्ट करूँगी तो इसलिए वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके okay?